अगर आप लोगों के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट है, ये न्यूज आप लोगों के लिए ही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका एक दोस्त जो दो साल पहले गुजर चुका है, वो आपके अकाउंट से आपके सारे पैसे निकाल ले, ये घटना एक हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। ये घटना मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। आप लोग इस घटना को सुनकर अपने आप को सतर्क रखिए। आज के दौर में टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रहा है। इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी वाले युग के अंदर में आप अपने बैंक अकाउंट को, अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त जो कि साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है, उसको दिन में एक फोन आता है जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। ये फोन उसके घर से उसकी बीवी करती है। उसकी वाइफ फोन करके ये बताती है कि उसकी एक सहेली, जिसे उसका दोस्त भी अच्छे से जानता था, वो उसके घर आ चुकी है और आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है। उसके साथ किसी ने फ्रॉड करके उसके बैंक अकाउंट से 6.5 लाख रुपए निकाल लिया है। ये सुन के मेरा दोस्त अमित काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होता है और अपनी वाइफ से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसे घर पे बैठाओ, मैं शाम को ऑफिस खत्म होते सीधा घर आता हूँ और फिर उसकी सारी बातें सुन के उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा। 7 बजे जब अमित की ऑफिस से छुट्टी होता है तो डायरेक्ट घर आता है। घर आने के बाद अपनी वाइफ और उसकी सहेली से मिलता है। शुरुआत में हाय हेलो करने के बाद अमित डायरेक्ट मुद्दे पर आता है और अपने बीवी की सहेली को कहता है कि आप अपनी घटना शुरू से मुझे बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। अमित की वाइफ की सहेली वो सारी घटना बताना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि अभी 3 महीने पहले फेसबुक पे एक फ्रेंड जो कि उसका कॉलेज का दोस्त था, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। उसका नाम सुधीर था। सुधीर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। चूँकि सुधीर और वो साथ में कॉलेज में पढ़ते थे तो उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों के बाद जब वो एक फ़ोटो पोस्ट करती है फेसबुक के ऊपर, तो सुधीर उसके फ़ोटो पे कमेंट करता है, नाइस पिक लिखता है। कुछ दिन के बाद जब वो दूसरा फ़ोटो पोस्ट करती है तो सुधीर उस पर भी कमेंट करता है। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे के फ़ोटो पे कमेंट करने लग जाते हैं। कुछ दिन के बाद सुधीर अपना फ़ोटो पोस्ट करता है नए BMW कार के साथ। उसके कुछ दिन बाद सुधीर एक नई ऑडी कार के साथ में अपना एक फ़ोटो पोस्ट करता है। कभी वो लंदन से फ़ोटो पोस्ट कर रहा था, कभी वो न्यूयॉर्क से फ़ोटो पोस्ट कर रहा था, हर दूसरे हफ्ते वो अलग अलग देश से फ़ोटो पोस्ट कर रहा था। इसी तरीके से समय बीतता गया और अमित की वाइफ की जो सहेली था उसका बर्थडे आता है। फेसबुक पर बर्थडे का नोटिफिकेशन आ जाता है तो जो सुधीर है वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है फेसबुक के ऊपर में। अमित की वाइफ की सहेली उसे रिप्लाई में थैंक यू भी लिखती है और इस तरीके से दोनों का बातचीत स्टार्ट हो जाता है। चूँकि वो एक दूसरे को पहले से जानते थे तो अपने कॉलेज के लाइफ की बातें और इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं फेसबुक पे। इसी तरीके से दोनों की अच्छी खासी दोस्ती फिर से हो जाती है। एक दिन अमित की वाइफ की सहेली उसे फेसबुक पर पूछती है कि यार तुम हर हफ्ते अलग अलग देश से इतने सारे फ़ोटो डालते हो, इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हो, अलग अलग गाड़ियों के साथ फ़ोटो डालते हो, तो इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, इतना पैसा तुम कैसे कमा पा रहे हो। इस पर सुधीर कहता है कि कुछ खास नहीं, हम बस अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसी समय इतने पैसे कमा पा रहा हूँ। इस पे उसकी सहेली कहती है कि ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हो जिससे तुम इतना ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हो, हम मुझे ये बताओ ऐसे बिजनेस के बारे में, मैं भी कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। इस पे सुधीर उसे कहता है कि ये टॉप सीक्रेट बात है, ये हम लोग आपस में दोस्त हैं, इनके ही बीच की बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन उसकी सहेली काफ़ी ज़िद करती है। उसके ज़िद करने पर सुधीर उससे कहता है कि वो और उसके सारे दोस्त ये कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उन सभी ने मिलकर एक ऐप डेवलप किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऊपर काम करता है। इस ऐप के थ्रू वो शेयर मार्केट के अंदर में पैसा लगाते हैं और ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को यूज करके वो ये पता कर लेता है कि कौन सा शेयर आज बढ़ने वाला है और उनके पैसे को उसी शेयर में इन्वेस्ट कर देता है और शाम तक वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। सुधीर ने बताया कि इस ऐप को यूज करते हुए उन्हें 1 साल हो गया है और 1 साल के अंदर में अभी तक उन्हें 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभार मुनाफा कम होता है और कभी बहुत ज़्यादा, कभी दुगुना, कभी तिगुना भी हो जाता है, पर लॉस नहीं हुआ क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है ये बहुत एक्यूरेटली और अच्छे से काम करता है। जब उन दोनों की बातें ख़त्म हो जाता है तो गूगल पर जाकर सर्च करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे बहुत सारी कंपनियां यूज में ला रही है। ओला, उबर, आपने नाम सुना होगा, वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करती है ताकि कहां से किसे पिक करना है, कहां पे किसे ड्रॉप करना है, वो सबसे छोटा रास्ता ढूंढ पाए और अपने पेट्रोल को बचा पाए। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये टेक्नोलॉजी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी यूज़ कर रही है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी सहेली पढ़ती है तो उसे भरोसा हो जाता है कि हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है आज के टाइम में और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और आम इंसान से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये जो भी डिसीजन लेगी ये बहुत सही लेगी। ऐसा भरोसा हो जाने के बाद वो अगले दिन फिर से सुधीर से फेसबुक पर बात करती है
और उससे कहती है कि मुझे भी इस ऐप को यूज करना है, मुझे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। लेकिन सुधीर कहता है कि ये जो ऐप है ये गवर्नमेंट द्वारा लीगल नहीं है, तो इसी के लिए ये एप्पल के स्टोर और प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, ये बस हम लोग कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाया है, तो हम लोग कुछ दोस्त ही इसको यूज करते हैं। इस बात पे उसकी सहेली बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाती है, कहती है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, हम तो कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, इसलिए ऐप मुझे भी दे दो, मैं भी इस ऐप को यूज करना चाहूँगी। उसकी बातें सुन करके सुधीर उस ऐप का लिंक उसे भेज देता है, जिसे वो डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेती है। पहले दिन वो सिर्फ 500 रुपये अपने बैंक अकाउंट से उस ऐप में डालती है और वो ऐप उसके 500 रुपये को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। शाम तक वो पैसा 1000 रुपये बन जाता है। उसके ऐप में अब वो 500 रुपये 1000 रुपये दिखा रहा होता है। वो बहुत खुश हो जाती है, यार मैंने तो बस 500 रुपये लगाया था और आज पूरा दिन बैठे बैठे मैं अपने रुपये को दुगना कर ली। उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं होता। अगले दिन वो 1000 रुपये लगाती है और वो बढ़ करके 1200 रुपये हो जाता है। फिर कभी वो 2000 रुपये लगाती है जो कि बढ़ गया 2100 हो गया, कभी वो दोगुना हो रहा है, कभी वो तिगुना हो रहा है, लेकिन उसका 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हो रहा था। तो हर दिन कुछ ना कुछ रुपये इन्वेस्ट करने लग गई और उसी ऐप में वो रुपये बढ़ने लग गया जो कि उसी ऐप में दिखाई देता था। उसके बाद जो रुपये बढ़ाए और प्लस में और रुपये अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके वो दोनों रुपये को कंबाइन करके और इन्वेस्ट कर देती। अगले दिन शाम तक फिर से रुपये बढ़ जाता। इस तरीके से 3 महीने तक उसने उस ऐप को यूज किया और अपने बैंक अकाउंट से 6.5 लाख रुपये उस ऐप में ट्रांसफ़र कर दिए और वो 6.5 लाख रुपये बढ़ के 15 लाख रुपये हो चुका था। ऐसे दिन बीता और उसकी जो सहेली थे उनके पिताजी का बर्थडे का दिन आया, तो शाम के टाइम में उसकी सहेली अपने पिताजी को फ़ोन करके बताती है कि पिताजी आपके लिए कल बर्थडे पे एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, जो मैंने पैसे कमाए उससे मैं आपको एक नया कार लेके देने वाली हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उसके पिताजी भी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जब वो पैसे को अपने उस ऐप से ट्रांसफ़र करने लग जाती है अपने बैंक अकाउंट में, तो रुपये ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो ऐप एक इरर दिखाता है। वो दोबारा ट्राई करती है लेकिन फिर से इरर आता है। वो बार बार ट्राई करती है लेकिन हर बार एक इरर शो होता है और पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने दोस्त सुधीर को फेसबुक पर मैसेज करती है, हाय लिख करके भेजती है, उसके रिप्लाई का वेट करती है, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो 6.5 लाख रुपये जो उसको उसके बैंक अकाउंट में था वो उसके पति ने उसके अकाउंट में रखा था। अब वो सोचती है कि मैं क्या करूँ, अपने पति को क्या जवाब दूंगी, अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी, कितने सारे रुपये कहाँ गायब हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और उसे पता था कि उसका एक दोस्त अमित जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, तो उसके घर आ जाती है रोते हुए दोपहर में और फिर ये सारी बातें अमित को बताती है। अमित सारी बात वो ध्यान से सुनता है और समझता है। उसके बाद वो अपने वाइफ की सहेली से कहता है कि वह ऐप काम नहीं कर रहा, ये बात तुमने मुझे बताया है, क्या ये बात तुमने सुधीर को बताया है? तो वो बताती है कि नहीं, मैंने अभी तक सुधीर को नहीं बताया है, मैं उसे बताने के लिए ही हाय का मैसेज फेसबुक पर लिखा था लेकिन अभी तक उसने वो मैसेज नहीं पढ़ा है। ये बात सुन के अमित को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वो कहता है ओके ठीक है, तुम थोड़ी देर वेट करो, मुझे मेरा काम करने दो। वो लैपटॉप ऑन करके थोड़ा बहुत कोड करता है और एक लिंक तैयार करता है। उस लिंक के थ्रू किसी का भी लोकेशन हम जान सकते हैं जब कोई पर्सन उस लिंक पे क्लिक करेगा तब। तो इस तरीके से अमित एक लिंक तैयार करता है और उसके बाद अपनी वाइफ की सहेली से कहता है कि तुम एक काम करो, इस लिंक को उस फेसबुक पे सुधीर को भेजो और उसे लिखो कि सुधीर क्या ये बात सच है तुम्हारे बारे में, और ये लिंक भेज दो। अब कोई भी पर्सन जब वो पढ़ेगा उसके बारे में क्या ये बात सच है तो उस लिंक पर जरूर क्लिक करेगा, और ठीक यही काम सुधीर करता है। तो जैसे ही सुधीर उस लिंक पर क्लिक करता है अमित को उसका आईपी एड्रेस और लोकेशन दोनों मिल जाता है। लोकेशन दिल्ली के रोहनी बिहार का आ रहा था और आईपी एड्रेस भी उसे मिल चुका था। अब वो अपने वाइफ की सहेली से कहता है कि तुम एक काम करो, आप अपने घर चले जाओ और जाकर सो जाओ, रिलैक्स रहो, सुबह तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो कौन लड़का था जो आपके साथ ये फ्रॉड किया है। अमित क्या करता है, उसके आईपी एड्रेस को फेसबुक हेडक्वार्टर में सारी डिटेल के साथ भेज देता है, जिसमें उसका बैंक अकाउंट भी रहता है, ट्रांजेक्शन कैसे कैसे हुआ, ये सारा डिटेल को इकट्ठा करके एक फाइल बना के फेसबुक को भेजता है और लिखता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये आईपी एड्रेस कहाँ से लॉगिन हुआ था। और साथ ही अमित उस ऐप की भी जांच करता है। जांच करने पे अमित को पता चलता है कि रुपए जो ट्रांसफ़र हो रहे थे बैंक अकाउंट से उस ऐप में वो तो सही हो रहा था, लेकिन जो रुपए बढ़ने वाली बात है वो नकली था, रुपए कभी बढ़ ही नहीं रहा था। वो ऐप का फंक्शन ऐसा था कि वो हर दिन जितना भी रुपए आप डालोगे उस रुपए को बढ़ा के वो दिखाता था। तो इस तरीके से जो यूजर उस ऐप को यूज कर रहे थे उन्हें लगता कि उनका पैसा डेली बढ़ रहा है, पर एक्चुअली वो रुपए बढ़ ही नहीं रहा था।
और साथ में वो ऐप उस पैसे को सिंगापुर के किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दे रहा था। इसके बाद सुबह में फेसबुक से जवाब आ जाता है कि ये जो आईपी एड्रेस का डिटेल आपने मांगा था ये दिल्ली के रोहिणी सेक्टर का ही है। इसके बाद अमित पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेन देता है पुलिस को। आईपी एड्रेस और लोकेशन के साथ पुलिस और अमित दोनों उस एड्रेस पर जाते हैं जहाँ पर अमित के वाइफ की सहेली का एक दूसरा कॉलेज का दोस्त, वो जो मेन मुजरिम था, वो निकलता है। जांच में हमें मालूम पड़ता है कि जिस दोस्त का फेसबुक, जांच में मालूम पड़ता है कि जिसके नाम पे फेसबुक अकाउंट इस लड़के ने बना रखा था वो दोस्त तो 2 साल पहले ही गुजर गया था। उसके फेसबुक अकाउंट से इस लड़के ने उसका फ़ोटो निकाला, उस फोटो को हर हफ्ते एडिट करता, कभी BMW के आगे, कभी मर्सिडीज के आगे, कभी न्यूयॉर्क में, कभी पेरिस में, अलग अलग जगह पे फ़ोटो एडिट करके फेसबुक पे उसका अकाउंट से डालता था और अपने जितने भी उसके दोस्त थे उन सबको इस तरह से फंसाता था और काफ़ी सारे पैसे इसने लूट रखे थे। पुलिस के जांच और इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ साबित हो जाता है और वो फ्रॉड वाला लड़का 6.5 लाख रुपये अमित के वाइफ की सहेली को लौटा देता है। इस तरीके से उसके रुपये तो लौट आए, लेकिन आप सतर्क रहिए, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। कब कौन सा लिंक आपके पास आए, आप उस पर क्लिक करें और आप फंस जाएं, ये मालूम नहीं। तो कोई भी अनजान जगह से कोई लिंक आता है आप उस पर क्लिक ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना हो तो उसे आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से ही डाउनलोड करें। अगर आपको कोई बैंक का ऐप भी डाउनलोड करना है तो आप पहले उस बैंक के साइट पर जाओ, वहाँ पर QR कोड के थ्रू आपको उनका ऐप मिल जाएगा, आप ऐप हमेशा वहीं से डाउनलोड करो। प्ले स्टोर पर भी एक ही बैंक के कई सारे ऐप अवेलेबल रहते हैं, उनमें से एक तो ओरिजिनल रहेगा लेकिन बाकी सारा फेक ऐप भी रहेगा जो कि सेम नाम और सेम ग्राफिक जैसा दिखेगा। आपको दिखने में ओरिजिनल और फेक दोनों एक जैसे लगेंगे। हो सकता है कि आप गलती से नकली वाला ऐप डाउनलोड कर लो और आपके सारे पैसे निकल जाएं बैंक से। तो आप सतर्क रहो, जब भी कोई ऐसा ऐप जिसमें पैसे का लेन देन हो आपके बैंक अकाउंट से, वो हमेशा ओरिजिनल डिटेल पढ़कर ही आप उसे डाउनलोड करें और खासकर उस कंपनी के वेबसाइट से ही जाके डाउनलोड करें QR कोड के थ्रू, ना कि किसी लिंक से जो आपको किसी फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर भेजा हो, वहाँ से किसी भी प्रकार का ऐप डाउनलोड ना करें, इससे आपकी पर्सनल जानकारी भी लीक हो सकती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।